पीड़िता के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। गुंडा विधायक, अपराधी विधायक, तस्कर विधायक और सभी दलों का चहेता विधायक। कोबड़ छोट कहत अपराधो, किस दल को छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए। सभी ने प्रश्रय दिया, सभी ने टिकट भी दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर। बात मैं करना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पत्र का संज्ञान लिया है जो उनको मिला ही नहीं। जी हाँ, 12 जुलाई को पीड़िता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था कि हमारी जान खतरे में है, कभी भी विधायक हमला करा करके हमारी जान ले सकता है, पूरे परिवार का सफाया कर सकता है, आदि आदि घटनाओं का जिक्र किया था। समाचार पत्रों में उस पत्र का जिक्र हुआ, पीड़ित परिवार ने भी उस पत्र के बारे में बताया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत डाक से भेजा हुआ वह पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं मिला। रंजन गोगोई साहब जो इस समय वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पत्र तो नहीं मिला, मैंने पूछा भी है कि पत्र है कहाँ, एक जाँच भी बैठा दिया है पत्र के न मिलने के सवाल पर, और आज वे इस बात की सुनवाई करेंगे। उनका यह कहना है कि पत्र भले ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस बात से भिज्ञ हो गया हूँ, सोशल साइट्स और समाचार पत्रों, संचार जनित माध्यमों से मैं जान गया हूँ उस बारे में। यद्यपि सीबीआई ने कुल 5 केस दर्ज किए हैं पास्को एक्ट से लेकर के, और पीड़िता से बलात्कार, धमकाने, मतलब 302, 307, 506 आईपीसी की जो सुसंगत धाराएँ हैं, पास्को एक्ट है, उसमें दर्ज किया है। ट्रक ने टक्कर मारी उस पीड़िता के कार पर, मौसी और चाची दोनों दिवंगत हो गई। अधिवक्ता महेंद्र सिंह, जो एक निर्भीक वकील के रूप में जिनकी गणना होती है, विधायक के रसूख और दबाव के बाद भी वे नहीं झुके और पीड़िता के केस में सहयोग करते रहे, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, पीड़िता की हालत भी नाजुक बनी हुई है। आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों सारे राजनीतिक दल ऐसे लोगों को पोषित और पल्लवित करते गए? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कान पकड़ करके इस बलात्कारी, गुंडे, अपराधी, तस्कर और जिसका मुंह देखने में भी पाप लगेगा, उसे अब तक क्यों पोषित और पल्लवित कर रहे हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जो अपराध के उन्मूलन की बात करते हैं, वह क्यों अभी तक इस मामले में खामोश हैं? यह कहना कि निलंबित कर दिया गया है यह पर्याप्त नहीं है। पहली बात, जब बलात्कार हुआ, पीड़िता थाने से लेकर के और जिला मुख्यालय, पुलिस कप्तान से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक चक्कर लगाती रही। यही ओपी सिंह साहब, जो आज डीजीपी हैं, जिन्होंने ट्रक के टक्कर मारने पर, जिसके नंबर प्लेट पर मोबाइल लगा हुआ था, नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा था, 100 की स्पीड में था, जबकि ट्रक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक की स्पीड उसकी नहीं होनी चाहिए, तो उस पर कहा कि प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार का मामला लगता है। ठीक है साहब, आप ही ने कहा था माननीय विधायक जी पर अभी आरोप लगा है, केवल एप्लीकेशन दिया गया है, ऐसे कैसे चलेगा? आप ध्यान रखिए, जब आप भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हुए होंगे, आईपीएस यहाँ लिखा गया होगा, आईपीएस सफ़ेद धातु का, और एक स्टार लगा होगा, एक स्टार के बाद 2 स्टार, 2 स्टार के बाद 3 स्टार आईपीएस लिखा रहा होगा, 3 स्टार के बाद एक अशोक स्तंभ लगा होगा, एक अशोक स्तंभ के बाद 1 स्टार और बढ़ा होगा, तब आप था जिला की कमान संभाले होंगे, यानी आप एसपी हुए होंगे। 2 स्टार के बाद, 1 स्टार के बाद 1 स्टार और लगा होगा, तब आप एसएसपी होंगे। 1 स्टार के बाद 3 स्टार लगा होगा और 1 अशोक स्तंभ, तब आप DIG हुए होंगे, फिर IG, ADGP, DGP, और आपको बहुत अच्छा समझ करके CM साहब ने बुलाया था, आप तो यहाँ थे नहीं प्रदेश में, तो आपको बुलाया गया कि आप जैसा तेज तर्रार, आप जैसा ईमानदार, आप जैसा निर्भीक, आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ और आप जैसा कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाला भारतीय पुलिस सेवा का कोई अफसर नहीं है, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का DGP बनाया गया। मैं नहीं जानता कि आपसे सीनियर कौन लोग थे, जूनियर कौन लोग थे, इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो अभी अब हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद विधायक के पिता को आरोप लग ही रहा था, तब तक विधायक के पिता को आरब सेक्ट 25 में बंद करके पुलिस ने अपना मुंह काला किया और इतना पीटा कि पुलिस अभिरक्षा में ही उनकी मौत हो गई।
पीड़िता जाती है मुख्यमंत्री आवास के सामने, आत्मदाह की चेतावनी देती है, वहाँ पहुँचती है, तब जाकर के मामला गर्माता है। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो से लेकर के यह जांच की जाती है। दोस्तों, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। मुझे विलम्ब हुआ है यह वीडियो करने में, कुछ पारिवारिक दायित्व और कुछ अन्य कामों के चलते भागदौड़ की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया यह वीडियो करने का, और थोड़ी सी देखना पड़ेगा। यह भी नहीं है कि हमारे सामने कोई पट्टी चल रही हो और मुझे देख करके बोलना है, यह तो है नहीं। ऐसे सीधे सीधे घूमना है और बोलना है, देखना है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं। तो मुझे विलम्ब हुआ, इसके लिए खेद प्रकाशित करता हूँ। कई हमारे मित्रों ने कहा अभी तक आपने उस पर वीडियो नहीं किया, आप डर गए हैं क्या, ऐसे तैसे। डरना तो यमराज से भी नहीं है। अगर सीधे यम आएंगे और कहेंगे, धमकी देंगे, तो उन्हें भी कह देना है यमराज आप अपनी औकात में रहो। तो डरना नहीं है दोस्तों, समय का अभाव था इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। मैं लगातार इस मामले को दिखाते रहूँगा, सीजीआई ने सुनवाई में क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, और दिखाऊँगा कि कांग्रेस से लेकर के बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार कुलदीप सेंगर के मामले में अपने चेहरे को विकृत किया, अपने चेहरे को, चेहरे पर काली खिपोता, उनका चेहरा, सभी का चेहरा देखने लायक नहीं है, इसको भी अगले वीडियो में मैं अति शीघ्र बता रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब इस पर क्या कर रहे हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पर क्या कर रही है। अभी तक वो अभी केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन शिथिलता है लगातार, आरोप पत्र मुझे नहीं लग रहा है कि दाखिल हुआ होगा। और पीएम खामोश हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बिटिया लड़ रही है, इच्छा कर रही है उस अगर मिल जाए तो एक बार उसका पैर छू करके उसकी धूल को सर माथे पर लगा लिया जाए। दोस्तों, यह बचाव करते हैं। ऐसे ही स्वामी चिन्मयानंद ने एक के साथ इस तरह की घटना किया था, एक लड़की के साथ, जब यही योगी सरकार उनका मुकदमा वापस कर रही थी स्वामी चिन्मयानंद जी का, तो वह लड़की वापस आ गई थी। यही वह लड़कियां हैं जो आसाराम बापू जैसे लोगों पर अंत तक नहीं टूटी, उनके रसूख के आगे सरकारों ने ठीक से प्रश्रय दिया, इनको, इनके आगे नतमस्तक हूँ, यही देवी और दुर्गा हैं, यदि यह अच्छी हैं तो इनका, इनके पैर की धूल अपने माथे पर लगाने में चारों धाम से बड़े पुण्य को अर्जित हम कर पाएंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सोशल एक्टिविस्ट हूं और वर्तमान में यूट्यूब चैनल जो हमारा ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से। यदि ऐसे मामले आपको पसंद आते हों, निर्भीकता से जिस तरह से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको आगे भी बढ़ाते हैं, लिखा पढ़ी भी करते हैं, यदि अच्छा लगे तो आपसे विनम्रता के साथ कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।